शेर और खरगोश की कहानी। पहले सब्सक्राइब करें फिर सुनें। एक जंगल में भारसुक नामक बलशाली शेर लायन रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरजकर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा है। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुँचेगा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता। परिणामस्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश हेयर की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरजकर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है, तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तुझे तेरे बाद अब मैं उसे भी मारकर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिपड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें न मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो पांच खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं तो वह चार खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे आपके पास यह संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने शेर गुस्से में दहाड़ा। जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में एकक्षत्र राज करेगा। ये सुनना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चल, मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को दिखाते हुए वह बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है, वह इसी दुर्ग में रहता है। आप दुर्ग के द्वार से उसे ललकारिए,
शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वह पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद भरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। सुनकर सभी बहुत खुश हुए और सबने भरगोश की वो प्रशंसा की।